मामला है, आखिर आपने एपटेक कंपनी को हायर क्यों किया? अगर ये ब्लैकलिस्टेड है, एफआईआर भी है, फाइन भी है, आपने फिर भी एपटेक कंपनी को हायर किया, सोचने वाली बात है। शायद कि एसएसबी को ये समझ में नहीं आया कि अगर ये इन्होंने इतने इतने बड़े कांड किए तो हम इनके इसको हायर क्यों करें एपटेक कंपनी। तो जेके एसएसबी को एपटेक कंपनी के साथ मोहब्बत है, वो बताएंगे एपटेक कंपनी के कांड हम आपको बताएंगे। एपटेक क्या है आपको पता है सुर्खियों में क्या है अभी? एपटेक कंपनी, जेके एसएसबी और हमारी यूटी सरकार, वो भी सुर्खियों में। आखिर सुर्खियों में क्यों है ये तीन अभी हर जगह छाए हुए, चाहे वो नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया या तो सोशल मीडिया, हर जगह चर्चे इन तीनों के हो रहे। हमारी सरकार और साथी में एपटेक कंपनी और जेके एसएसबी, हर जगह हैशटैग ब्लैकलिस्टेड कंपनी और साथी में हैशटैग जेके एसएसबी स्कैम। थोड़ा सा हम आपको पीछे लिए चलते हैं सरकार की बात के। जब धारा 370 खत्म हुआ तो बड़े वादे किए गए थे। एक वादा क्या किया गया था कि जम्मू कश्मीर के जो युवक है उनको हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और साथ ही में जो करप्शन है वो खत्म करेंगे और बेटियों को हम जो है इज्जत देंगे, उनको हम पढ़ाएंगे और उनको हम नौकरियां देंगे, ये वादा किया गया था। तो अब स्कैम की बात करते हैं। स्कैम तो आपने देख लिया 2022 में, तो स्कैम आपने देख ही लिया, उसका अभी जजमेंट नहीं आया, वो आएगा, आप इंतजार करिए, वो भी आएगा। साथ ही में बेटियों को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे जना, बेटियों ने तो पढ़ा और आपने पोस्ट निकाले और हमारी बेटियों को वो कंपनी हजम नहीं हुई जो कंपनी आपने हायर की। वो प्रोटेस्ट पे इंटरनेशनल वुमेन डे था, उनको क्या मिला वहां पे? आपने गिफ्ट क्या दिया? डंडे बरसाए उनके ऊपर, यह हुआ। और साथ ही में आपने वादा किया था रोजगार देंगे, चलिए जी आपने तो फोर्थ क्लास पोस्ट फिल किए, फाइनेंस अकाउंटेंट भी फुल किए, और साथ ही में जब आपने दूसरी बार पोस्ट निकाले तो क्या हुआ? स्कैम देखने को मिला। अब और एक बार आपने पोस्ट निकाले, जेके एसएसबी ने तो पोस्ट निकाले, तो रोजगार का उम्मीद थी, बच्चों की उम्मीद थी कि अब हम पढ़ेंगे, नौकरी हासिल करेंगे, जॉब हासिल करेंगे, और माँ बाप को भी उम्मीद थी, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, अब रोजगार मिलेगा उनको, क्योंकि वादा जो किया गया था। ठीक है जनाब, ये सब कुछ ठीक था। अब बारी थी जेके एसएसबी की, जेके एसएसबी की बारी थी एग्जाम जो है वो करवाने थे। जेके एसएसबी ने एक ऐसी कंपनी को हायर किया जो एग्जाम करवाने में मशहूर है, यानी वो एग्जाम कंडक्ट करवाने में सफल है हर जगह। सफल कितना है, उन्होंने क्या कुछ किया जो हमारी युवक जो है वो सड़कों पे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि युवक जो है वो एपटेक कंपनी से नाराज है, वो भी हम आपको बताएंगे। एपटेक कंपनी के कांड हम आपको बताएंगे। एपटेक कंपनी हमने थोड़ा सा डाटा किया 2016 से लेकर 2020 तक, हमने थोड़ा सा डाटा किया कलेक्ट, वो हम आप तक शेयर करेंगे। 2016 में उन्होंने यूपी जल शक्ति स्कैम किया जनाब यूपी में। अब बारी रही 2017 की, 2017 में उन्होंने राजस्थान में कांड किया, राजस्थान में उन्होंने पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट फुल किए थे। जब 2018 में पता चला वो भी फ्लॉप हुए तो एपटेक कंपनी के ऊपर एफआईआर लगा, यानी स्कैम भी हुआ एफआईआर भी हुआ। 2020 में उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड असाइनिया फुल किए, यानी वो भी फ्लॉप, यानी वो यूपी में वो ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, पहले एफआईआर फिर ब्लैकलिस्ट, यानी यूपी में वो कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। अब 2018 में उन्होंने क्या किया, 2018 में उन्होंने दिल्ली में एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए, तो पेपर एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचे, वो पहले ही फुर्र हो गए थे, यानी वो लीक हुए थे दिल्ली में। हमारी दिल्ली में जो कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको 10 लाख का फाइन किया। और भी है जनाब, राजस्थान और हरियाणा में वो पूरी तरीके से ब्लैकलिस्टेड है। अब जेके एसएसबी को ये समझ में नहीं आया कि अगर ये इन्होंने इतने इतने बड़े कांड किए तो हम इनके इसको हायर क्यों करें, एपटेक कंपनी को हम हायर क्यों करें। या तो जेके एसएसबी को एपटेक कंपनी के साथ मोहब्बत है, हो गई एक बार,
जेके एसएसबी को कोई कंपनी नजर नहीं आ रही, शायद वो गूगल गूगल सर्च नहीं कर रहे या क्रोम का इस्तेमाल वो नहीं करे, कि सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल नहीं करे। एपटेक कंपनी के अलावा शायद इंडिया में कोई ऐसी फर्म नहीं है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते, या तो कोई अलग सा मामला है इनको, वो तो आप ही को पता होगा कि क्या मामला है। आखिर आपने एपटेक कंपनी को हायर क्यों किया अगर ये ब्लैकलिस्टेड है, एफआईआर भी है, फाइन भी है, आपने फिर भी एपटेक कंपनी को हायर किया? सोचने वाली बात है। शायद हमारी एलजी गवर्नमेंट को इस पे नजरसानी फिर से करनी चाहिए। शायद जो बच्चे है वो उनके ऊपर जो उन्होंने मेहनत की है उस पे पानी ना फेरिए मेहरबानी करके, जो उन्होंने काफी मेहनत की है, उम्मीद है उनकी, उम्मीद उनके ऊपर पानी ना फेरिए। आप इस पे नजरसानी कीजिए और जेके एसएसबी को देखना चाहिए कि हमने किस कंपनी को हायर किया, हमने किस फर्म को ये कंट्रैक्ट दिया है एग्जाम कंडक्ट करवाने को। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द कास्ट पोस्ट के साथ।